हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। मुझे लॉन्च किया गया, सबसे पहले बताइए क्या बता दूँ फिल्म के बारे में। मुझे लगता है कि भोजपुरी की मेरे ख्याल से एक इकलौती फिल्म है जो एक रियल स्टोरी पे है, बायोग्राफी है ये किसी की। और बहुत हालांकि हमें फिल्म में लिखना पड़ता है सत्य घटना पे आधारित नहीं है, पर इसमें लिखना पड़ेगा शायद कि फिल्म सत्य घटना पे आधारित है। और बड़े रियल करेक्टर हैं सारे, जब डायरेक्टर ने बताया मुझे इस अपने किरदार के बारे में तो बड़ा कठिन हुआ, क्योंकि काल्पनिक किरदार करना आसान होता है, रियल किरदारों को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने क्या मुश्किल पार्ट था? मुश्किल पार्ट था कि वो किरदार होते हैं, मैं ऐसे नाम नहीं बोलूँगा कौन सा किरदार किया मैंने, बट वो किरदार रियल लाइफ में जो जिंदा है उनको आप लोग जब फिल्म देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उन किरदारों से रिलेट करते हैं, तो इसलिए आपको उनको थोड़ा सा निभाना कठिन होता है। काल्पनिक किरदारों में हम अपने मन से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि वो किरदार है कहीं रियल लाइफ में, तो आपको उसको टच करते हुए निकलना पड़ता है। हाँ, वो खलनायक ही है मतलब। और ये संतोष जी के साथ खास थी, शायद संतोष मिश्रा जी ने पहली बार अपनी किसी फिल्म में मुझसे नेगेटिव किरदार करवाया। उनके साथ 5-6 फिल्में कर चुका हूँ मैं, वो मुझसे कभी विलन नहीं करवाते, उनका रिकॉर्ड रहा है, पहली बार उन्होंने मुझसे नेगेटिव करवाया है। सर, बेसिकली बायोपिक होने का, भोजपुरी में पहली बायोपिक होने का क्या मतलब होता है बेसिकली थिएटर्स में या ऑडियंस के बीच? ऑडियंस बहुत कहानी से तुरंत जुड़ती है, वो लोग जो जहाँ का वो किरदार होता है वहाँ के लोग उस फिल्म से तुरंत जुड़ते हैं, जो लोग जानते हैं उनके बारे में, तो एक बेनिफिट मिलता है फिल्म को कि फिल्म जब उस जगह पे लगती है तो लोग उस फिल्म में अपने किरदारों को, अपने आसपास के लोगों को, सब कुछ को देख रहे होते हैं सामने से। कुछ लोग होते हैं जो उस घटना के भी साक्षी होते हैं, वो भी जुड़ते हैं उस फिल्म के साथ। शूट के बारे में बहुत सारे किस्से हमने बहुत सारे आर्टिस्ट से पूछे, आप भी बताइए जरा शूट के बारे में, कोई खास यादगार किस्सा क्योंकि नहीं, अपने आप में फिल्म ही यादगार रही है और लोकेशंस इसमें बहुत अच्छी हैं इस फिल्म की। मैं कहूँगा कि फिल्म आपको ऐसा नहीं कि इन्होंने जो एक कहानी के साथ नया करने की बात होती है, हम लोकेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं फिल्मों में, इन्होंने लोकेशंस को लेकर, कलाकारों को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और बहुत रियलिस्टिक पैटर्न में फिल्म बनी है। सारे एक्टरों ने अपनी तरफ से बहुत बेहतर काम किया है इस फिल्म को लेकर। उससे कुछ मिलता जुलता नहीं है, वो एक काल्पनिक कहानी थी, एक रियल कहानी है, यही दोनों फिल्में अपने आप में अलग हो जाती हैं। शमीम खान साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपके जो दूसरे हीरो हैं पहलवान टाइप? शमीम साहब के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है, दूसरी या तीसरी फिल्म है, उसके पहले भी उनके साथ दो फिल्में कर चुका हूँ और काफ़ी मजे हुए कलाकार हैं किरदार, और मुझे लगता है उस किरदार के लिए शमीम भाई परफेक्ट कास्टिंग थे। पिटाई कैसी करते हो? नहीं, इस फिल्म में मेरी पिटाई नहीं है। इस थोड़ा ये सुख मुझे इस फिल्म में संतोष जी ने दिया है और संतोष जी की किसी फिल्म में मेरी पिटाई नहीं हुई है, ये भी एक है इत्तेफाक उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है कि तो विलन नहीं करवाते मुझसे, पॉजिटिव करवाते अपनी हर फिल्म में, इसमें विलन करवाया भी तो मार खाने से बचा लिया मुझे उन्होंने, ये उनका प्यार था मेरे लिए। नहीं नहीं, आपने किसी को पीटा है फिल्म में? हाँ, मैंने एक थप्पड़ मारा है अयाज खान को। बस छोटा सा, वो भी हिंसा नहीं है, थप्पड़ तो नॉर्मल चीज़ है, उसको पीटना नहीं कहेंगे, एक सीक्वेंस में हल्का सा टच किया है उसे बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।